में और यूनिट आपकी थर्ड है भाषा और बहुभाषिकता। टॉपिक है समाज और बहुभाषिकता, ये आपका लास्ट टॉपिक है समाज और बहुभाषिकता। इसके बाद हम सेकंड यूनिट पढ़ेंगे। तो देखिएगा कि कुछ व्यक्ति भारत को बहुभाषी इसलिए मानते हैं कि यहाँ अखबारों, फिल्मों, किताबों, टीवी, रेडियो, शिक्षा, कचहरी तथा कार्यालयों आदि का कामकाज कई भाषाओं में एक साथ होता है। यानी कि कुछ लोग जो भारत को बहुभाषी मानते हैं वो बहुभाषी मानने का कारण यह है कि यहाँ पर कई सारे काम एक साथ किए जाते हैं और कई सारे कामकाज को कई भाषाओं में एक साथ किया जाता है। बहुत सारी भाषाएं होने के बावजूद उस काम को एक साथ कर लिया जाता है। कोठारी कमीशन से लेकर आज तक त्रिभाषा सूत्र भारतीय शिक्षा का आधार बना हुआ है। यानी कि आधार सा बना हुआ है कोठारी कमीशन से लेकर, कोठारी कमीशन जो चला था उस वहाँ से लेकर आज तक जो त्रिभाषा सूत्र बना, तीन भाषाओं का जो सूत्र बना वो भारतीय शिक्षा का आधार सा बना हुआ है। यानी कि भारतीय शिक्षा का आधार कोठारी कमीशन ने और त्रिभाषा सूत्र दोनों ने मिलकर त्रिभाषा भारतीय शिक्षा के आधार को बनाया है। भारतीय बहुभाषिकता के कई आयाम हैं और अभी तक जितने पहलुओं की चर्चा की गई है उन सभी में भारतीय बहुभाषिकता का कोई ना कोई अंश अवश्य निहित है। यानी कि भारतीय अभी तक जितने भी पहलू हैं, अभी तक जितने भी दृष्टिकोण हमने देखे हैं, नजरिए देखे हैं, जितने भी पहलुओं पर, जितने भी दृष्टिकोण पर चर्चा की गई है उन सभी में भारतीय बहुभाषिकता का कोई ना कोई अंश अवश्य निहित है। यानी कि भारतीय बहुभाषिकता का कुछ ना कुछ अंश, कुछ ना कुछ पाठ जरूर निहित होता है। इन सबको मिलाकर भारत की बहुभाषिकता परिभाषित नहीं की जा सकती। यानी कि भारत को कई भाषाओं वाला देश कहा जा सकता है, भारत को कई भाषाओं वाला देश कह सकते हैं क्यों? क्योंकि इन सबको मिलाकर बहुभाषिकता को परिभाषित नहीं किया जा सकता। हम भारत की बहुभाषिकता को भारत में अनेक प्रकार की बोलियों को बोलने वाले लोगों की परिभाषा को परिभाषित नहीं कर सकते हैं और उसको समझे बिना, बहुभाषिकता को समझे बिना, उसके प्रति संवेदनशील हुए बिना शिक्षा या सामाजिक परिवर्तन में किसी भी कार्यक्रम को सफल नहीं बनाया जा सकता। यानी कि किसी भी भाषा को समझे बिना, उसके प्रति संवेदनशील हुए बिना, उसके शिक्षा, उसके सामाजिक परिवर्तन को, किसी भी कार्यक्रम को सफल नहीं बनाया जा सकता। कई भाषाओं को आत्मसात करना एवं अन्य देश विदेश की भाषाओं में स्वतंत्रतापूर्वक वैचारिक आदान प्रदान करना भारतीय समाज के लिए एक साधारण बात है। यानी कि कई भाषाओं को आत्मसात करना, भारतीय समाज कई भाषाओं को आत्मसात करता है। क्यों करता है? क्योंकि भारत कई भाषाओं को बोलने वाला देश है, भारत कई भाषाओं को प्रकाशित करने वाला देश है, कई भाषाओं को आत्मसात करने वाला देश है और अन्य देश विदेश की भाषाओं में स्वतंत्रतापूर्वक, अन्य देश विशेष की भाषाएं जो होती हैं उनमें स्वतंत्रतापूर्वक वैचारिक आदान प्रदान, अपने विचारों का आदान प्रदान भारतीय समाज के लिए एक साधारण सी बात है। यानी कि भारतीय समाज एक ऐसा समाज है कि अन्य देश विदेश की भाषाओं को में अपने विचारों का आदान प्रदान करना उसके लिए एक सामान्य सी बात है, उसके लिए एक मामूली सी बात है। क्यों? क्योंकि भारत कई भाषाओं को बोलने वाला, कई भाषाओं का धारण करने वाला देश है। पुत्र माता पिता से तो मातृभाषा में बात करता है। यानी कि एक पुत्र अपने माता पिता से तो मातृभाषा में बात करता है, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। क्यों? क्योंकि परिवार में जब बालक बड़ा होता है तो वो शुरू से ही मातृभाषा, माता के द्वारा सीखी गई भाषा को सीखता है। इसलिए पुत्र अपने माता पिता से तो मातृभाषा में बात कर सकता है, इसमें कोई आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है। पुराने मित्रों से मातृभाषा में अर्थात हिंदी में, कॉलेज के मित्रों से हिंदी या अंग्रेजी भाषा में और अपने व्यवसाय का समस्त कार्य वो अंग्रेजी भाषा में करता है। और अनेक परिस्थितियों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि दो से अधिक भाषाएं आपस में मिलजुल जाती हैं। यानी कि कई परिस्थितियां ऐसी सामने क्लियर होती है जिसमें दो भाषाएं आपस में मिलजुल जाती है, जैसे कि हिंदी के साथ अंग्रेजी मिली हुई है। तो कई परिस्थितियां ऐसी देखने को मिलती है कि दो भाषाएं आपस में मिलजुल जाती है और ऐसी स्थिति में भाषाएं समृद्ध होती हैं। जो स्थिति क्रिएट होती है ऐसी स्थिति में भाषाएं समृद्ध होती है। जैसे कि समाज में बहुत से भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं और कई भाषाएं जब एक साथ मिलजुल कर बनती हैं तो वो समृद्ध भाषाएं कहलाती हैं और समृद्ध भाषा होने के कारण कई भाषाएं आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती जाती है। ऐसी स्थिति में भाषाएं समृद्ध होती है, न कि खिचड़ी बनती है। जब समाज में एक से अधिक भाषाओं को बोलने वाले लोग होते हैं तो वो भाषाएं समृद्ध बनती है, न कि उनमें मेल मिलाप का कोई खिचड़ी, मतलब उनमें कोई खिचड़ी नहीं बनती है। एक भाषी मापदंडों में बहुभाषी क्षमता को मापा नहीं जा सकता। एक भाषी मापदंडों में एक भाषा को बोलने वाले लोगों के माध्यम से बहुभाषी क्षमता को बोलने वाले लोगों की भाषा को मापा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुभाषी
प्रकार का होता है, अनेक प्रकार का होता है, कई भाषाओं को बोलने वाला होता है, जबकि एक भाषी समूह एक ही प्रकार की भाषा का